इटावा में बुद्ध शोभा यात्रा में बच्चे मजदूरी करते देखे गए। मीडिया की निगाह बेशक बाल मजदूरी पर चली गई, लेकिन प्रशासन की अनुमति से निकलने वाली शोभा यात्रा में किसी भी अधिकारी की निगाह इन पर नहीं गई। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर इटावा में निकलने वाली शोभा यात्रा में बच्चे मजदूरी करते देखे गए। जिस उम्र में इन्हें पढ़ाई करनी है उस उम्र में ये मजदूरी करते देखे गए। जब बच्चों से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने साफ कहा कि उन्हें इसके बदले 500 रुपए मिलते हैं। किस बैंड में काम करते हो? शोभा यात्रा के साथ चल रहे भीम आर्मी के संयोजक ने इस बारे में जानकारी नहीं होने की बात कही। बताया गया कि बच्चे अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। वहीं इस बारे में इटावा के सिटी मजिस्ट्रेट से जब एपीएन की टीम ने बात करनी चाही तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। मामला गंभीर है, प्रशासनिक अधिकारियों को इस बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। इस मामले में बच्चे और उनके अभिभावकों को समझाने के साथ साथ आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।